मनोरी बाजार में युवाओं ने किया रक्तदान, कहा रक्तदान महादान। बता दें कि आज 19 नवंबर शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा विभाग कौशाम्बी व हेल्पर्स सेव द लाइफ द्वारा रक्तदान व निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर श्री बालाजी वाटिका मनोरी बाजार में लगाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। गौरतलब हो कि रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर स्वतंत्रता अमृत महोत्सव 75वां वर्ष प्रारंभ होने पर रक्तदान व निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर का आज आयोजन किया गया। आयोजन मंडली ने रक्तदाताओं को शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमोद चंद्र केसरवानी सहित तमाम कार्यकर्ता व हेल्पर्स सेव द लाइफ कौशाम्बी के सचिव राजकुमार केसरवानी व उनके टीम तथा रक्तदान करवाने वाले SRN हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम उपस्थित रही। मनोरी बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुधीर केसरवानी व युवा नगर अध्यक्ष अंकित केसरवानी ने भी रक्तदान कार्यक्रम में सहयोग किया। व्यापार मंडल के कौशाम्बी के जिलाध्यक्ष अरविंद केसरवानी व परवेश केसरवानी का भी कार्यक्रम में आगमन हुआ। आयोजनकर्ता सेवा प्रमुख राष्ट्रपति स्वयं सेवक संघ कौशाम्बी प्रमोद चंद्र केसरवानी ने बताया कि रक्तदान महादान होता है। हमारे रक्तदान करने किसी की जान बचाई जा सकती है और जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा विभाग और हेल्पर्स सेव द लाइफ की ओर से लगातार रक्तदान शिविर लगातार जगह जगह लगाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काशी प्रांत की संयोजिका ने लोगों से आह्वान किया है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान कर लोगों की जान बचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर रक्तदान परीक्षण शिविर भी लगाया गया, जिसमें हर प्रकार की रक्त संबंधित रोगों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है। रक्तदान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो आप क्या लोगों को संदेश देना चाहती हैं? आज रानी लक्ष्मीबाई जयंती है और अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष पे इसी खुशी में हम सभी लोग यहाँ पे एक रक्तदान शिविर लगा रखे हैं। जो लोग रक्त अपना दे रहे हैं, और रक्त देना एक तरह से महादान कहलाता है। रक्त के ऐसी चीज़ें कि जो शरीर के अंदर ही बन सकता है, बाकी चीज़ें दुकानों में बन जाती हैं, और रक्त दे के लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। आज लक्ष्मीबाई जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे बेटियों के लिए सुकन्या योजना के तहत जो सुकन्या योजना और सुमंगला योजना है, इस पर खाते भी खोले जा रहे हैं और वैक्सीन भी हो रही है फ्री यहाँ पे, और जनधन योजना के खाते भी खुल रहे हैं। तो लोगों को डेंगू की जाँच हो रही है कि सब हो जाएगा। तो लोगों को एक संदेश आता है कि लक्ष्मीबाई जयंती पे हम लोगों को आना चाहिए और अमृत महोत्सव के रूप में रक्तदान करना चाहिए, और आगे जीवन में अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है इससे कि हम समाज का कैसे काम करें, अपने देश की इसी तरह से हम सेवा कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम मेरा विनीता गुप्ता, क्षेत्रीय काशी प्रांत। मैं आपको जो NGO है जी सहयोग कर रहा है जी, तो क्या है आपके NGO के बारे में, क्या लक्ष्य है आपका जी? हमारे NGO सृष्टि हरकुंवंशी लोक कल्याण समिति निजामपुर पुरैनी की ये सोच है कि जो संगठन बने हुए हैं, जो चल रहे हैं, जैसे हेल्पर्स संगठन चल रहा है और शाखा चल रही है स्वयं सेवक संघ की, और यहाँ पे मनोरी बाजार में कार्यक्रम चल रहा है, रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है और डेंगू की जांच चल रही है और बालिकाओं के खाते खुलवाए जा रहे हैं, और हमारा यही उद्देश्य है कि समाज में जो है एक रक्त सेचना संरचना का जो है संदेश जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है रक्त डोनेट करें, ताकि समाज के अन्य लोगों को फायदा मिले। और अजय सिंह अरकुंवंशी, सृष्टि अरकुंवंशी लोक कल्याण। यहाँ पर रक्तदान शिविर हेल्पर सेव द लाइफ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में यहाँ पे आयोजित है। यहाँ पर कई बार रक्तदान कार्यक्रम हो चुका है, तो आज जो यहाँ पर आयोजनकर्ता हैं
उनसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आवेदन करता है आपके प्रमोद जी, यहाँ पर प्रमोद केसरवानी, ये जिला सेवा प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, तो इनसे बात करते हैं कैसे ये उनको प्रेरणा मिली ये रक्तदान शिविर लगाने की। तो भाई साहब, ये जो रक्तदान लगाने का जो आपको प्रेरणा मिली तो कैसे मिली है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई आज लगभग 57 वर्ष हो गए, और इसमें जो है हम लोगों को जो सेवा विभाग का काम सौंपा जा रहा है, सेवा विभाग के माध्यम से समाज में सेवा की विभिन्न काम चल रहे हैं, उसके अंतर्गत एक प्रकल्प के रूप में जो है रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, और रक्तदान हम सब लोग करें। समाज में आज रक्त की दुर्घटनाओं में, ऑपरेशन में, तमाम सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से हजारों लोग, लाखों लोग जो है देखभाल कैसे हो जाते हैं, कई बार यहाँ पर लगाते हैं। उसी माध्यम से हम लोग जानकारी मिली और उसके अनुसार हम लोग सेवा के रूप से काम कर रहे हैं, और मैं स्वयं 8 बार रक्तदान कर चुका हूँ। तो इस प्रकार सबको मैं प्रेरित करके सबको और समाज के अन्य लोगों को सहयोग ये कार्यक्रम चला रखा। जनपद में मनौरी में लगा कि और भी अन्य जगह लगा? मनौरी लग चुका है, अन्य भरवारी लग चुका है, मंजलपुर लग चुका है, कई कार्यक्रम लग चुके हैं। तो आगे भी इसी तरह का, आगे भी इसी तरह कार्यक्रम की योजनाएं बनी हुई है, उसको हम लोग कार्य रूप में सीखता से पढ़ने। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो कार्यक्रम है आगे भी इसी तरह चलता रहेगा और ये बृहद रूप इस कार्यक्रम का आएगा। तो आपने यहाँ पर देखा क्या नाम है कि ये कई बार यहाँ पर रक्तदान लग चुका हुआ है, तो अच्छी बात है। आज रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है, गुरु नानक देव की भी और इनका भी जयंती है, अमृत महोत्सव के अवसर पर ये आयोजन किया गया है यहाँ पर रक्तदान। कई लोग यहाँ पर निकलवा भी चुके हैं और आगे भी यहाँ पर जारी है। प्राइम न्यूज से सुनील चौहान। ये रक्तदान लगाने की कैसे प्रेरणा मिली आपको? रक्तदान की प्रेरणा हमको ऐसे मिली कि हमारे एक बहन हमारी जल गई थी, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के महानगर प्रचारक थे सर्वदेव, उनको मैंने एक फ़ोन किया और तत्काल देने चले आए। तो उसके बाद मुझे अनुभव मिला कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। शिविर पर जो लगा हुआ है यहाँ पर, क्या कहना चाहते हैं इस पर, लोगों का संदेश है? रक्त डोनेट करना जो है बहुत बड़ी देश सेवा है, और देश सेवा में इसका चरम उत्कर्ष है। यह रक्त जो है हमारे अब अपने भाइयों को उनकी आवश्यकता पर प्रदान किया जाता है, और इससे जाने कितने लोगों का जीवन बच जाता है। यही रक्त जो है हमारे सेना में भी जाता है, उनको भी जो है अच्छे से उठा होता है, और ये रक्तदान करना भी अच्छी बात है, सभी नए युवाओं को रक्तदान करना चाहिए। मैं रक्तदान हुआ है तो आपने भी किया है, कैसे लग रहा है? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा 16वां रक्तदान है। मैं आज मानवीय जीवन में सभी से अपील करूँगा इस बारे में कि रक्तदान करिए, क्योंकि इसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, ये एक मानव से दूसरे मानव के शरीर में स्थानांतरण हो सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मनौरी बाज़ार में रक्तदान शिविर का कैंप आयोजन किया गया है, और मेरा ये 16वां रक्तदान कैंप। राजकुमार केसरवानी, जिला सचिव, हेल्पर सेफ द लाइफ। रक्तदान शिविर लगा हुआ है जी, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? रक्तदान शिविर लगवाया इसलिए गया है क्योंकि लोगों में ये जानकारियां पहुंच सके कि रक्तदान करने से कोई बीमारियां या कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे लोगों की मदद होती है, क्योंकि रक्तदान महादान है, रक्त बनाया नहीं जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसीलिए इस सहयोग के लिए हम लोग भागीदारी बने हैं।